हेलो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट कर लिया होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉमर्स ले या ना ले। लेकिन उससे पहले उनके माइंड में यह डाउट होगा कि आफ्टर ऑल कॉमर्स है क्या, और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो हमारा आज का यह वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि कॉमर्स क्या है और 11th क्लास में वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ोगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो इन योर 11th क्लास। उससे पहले, अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको अपनी 11th और 12th क्लास रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल फ्री, और हमारे सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। इसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और सभी के सभी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉमर्स है क्या। इट मींस कॉमर्स पढ़ने के बाद आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, किस तरह की नॉलेज आपको मिलती है। तो सबसे पहले कॉमर्स जो नॉलेज देता है वो देता है बिजनेस के बारे में। इट मींस कॉमर्स आपको बताता है बिजनेस के बारे में इन डिटेल। सेल क्या है, परचेज क्या है, बिजनेस एंटिटीज़ कितनी तरह की होती हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ कंपनी, व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज़ HUF, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एट्सेट्रा, इसको किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। कॉमर्स देता है इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग के बारे में, कि बिजनेस में बुक्स को किस तरह से मेंटेन रखते हैं, किस तरह से उनकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं प्रॉफिट फाइंड आउट करने के, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, किस तरह से कॉस्ट को मेंटेन किया जाता है, फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है एट्सेट्रा। इकोनॉमी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है आफ्टर स्टडिंग कॉमर्स, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी क्या है किसी कंट्री की, उसकी क्या डेवलपमेंट क्या हुआ है, पास्ट में किस तरह से इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर की स्टेटस क्या है, उसकी सर्विस सेक्टर के क्या है स्टेटस है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है एट्सेट्रा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स बताता है कि आप अपनी मनी को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हो इफेक्टिवली, कि जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। प्रोडक्शन डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करता है, एक्सपेंडिचर डिसीजन लेने में, इट मीन्स किस तरह, अगर आप प्रोड्यूसर हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, तो आपको ये इकोनॉमी पढ़ने के बाद हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स के कॉस्ट डिसाइड करो। अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हेल्प मिलेगी कि आप मिनिमम इनकम को किस तरह से खर्च कर सकते हो, जिससे आपकी सारी की सारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं। और इसके अलावा कंट्रीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू इकोनॉमी, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो ये कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में बताने बैठी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आपको अपने आप ही आइडिया होता जाएगा कि आफ्टरऑल कॉमर्स है क्या और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिससे आपको पता चलता है कि कॉमर्स है क्या। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या हैं कॉमर्स के। तो बेसिकली कॉमर्स में पांच सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें चार कंपलसरी होते हैं और एक जो सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। लेकिन इसका जो पैटर्न होता है वो चेंजेस हो सकता है कि आपने किस बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो। CBSE में अलग होता है, और जो जितने भी अलग अलग स्टेट्स के जो बोर्ड्स होते हैं उनमें अलग अलग पैटर्न होता है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हो, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में एडमिशन ले रहे हो। तो आप जिस स्टेट में पढ़ते हो, जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो, तो एक बार वहाँ जाके प्लीज़ पता कर लीजिए कि वहाँ का पैटर्न क्या है और वहाँ कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कभी कभी किसी केसेस में क्या होता है कि आपको 6 सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। इट मीन्स 5 कंपलसरी होते हैं और जो 6 सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। ये लगभग सभी स्कूलों में नहीं होता, सिर्फ कुछ स्कूलों में ही होता है जहाँ टीचर इजीली अवेलेबल होते हों। तो अगेन वही बात आ जाती है कि कौन से स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हों। अब हम बात करते हैं कि वो 4 मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं जो आप चूज़ कर सकते हो अपनी 11th क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट क्या हैं। तो मेन सब्जेक्ट हैं वो 4 हैं। पहला है अकाउंटेंसी। आप 11th क्लास में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, वो अकाउंटेंसी के बारे में होगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अकाउंटेंसी में हम सीखते हैं कि बिजनेस एंटिटीज़ की ट्रांजेक्शन्स को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट को किस तरह से मेनटेन किया जाता है एट्सेट्रा। 11th क्लास की अब जो अकाउंटेंसी होगी वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप
यानी सीखोगे कि जो आप सिंगल एंट्री सिस्टम एटसेट जो आपको डिटेल में पता चल जाएगा बाद में, अभी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो 11th क्लास में जो अकाउंटिंग होगी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। वैसे अकाउंटिंग तीन तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग जो होती है वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप बुक्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, यानी जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं, यानी आप प्रॉफिट निकालने तक का जो प्रोसीजर है वो आप 11th क्लास में सीखोगे फ्रॉम द बुक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है बिजनेस स्टडीज़, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। बिजनेस स्टडीज़ में आप अगेन वही पढ़ोगे, यहाँ 11th क्लास में आपका जो मेन क्राइटेरिया रहेगा वो यही रहेगा कि बिजनेस एंटिटीज़ क्या है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशंस क्या होते हैं और इसको ये किस तरह से डिफरेंस होते हैं कि प्रोफेशनल और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स हैं अलग अलग बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में, जिसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कंपनी, HUF, पार्टनरशिप फर्म एट्सेट्रा। थर्ड जो मेन सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। वैसे आर्ट वालों के लिए तो ये ऑप्शन में होता है, लेकिन आप कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हो तो ये आपके लिए कंपलसरी होगा। लेकिन किसी किसी स्टेट का जो बोर्ड है वहाँ पर ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी होता है, लेकिन CBSE में ये ऑप्शनल में नहीं है, ये कंपलसरी है अगर आप CBSE बोर्ड से हो। इकोनॉमिक्स में भी आप दो तरह की बुक्स आपको मिलेंगी, विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो जिस आनी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, जब हमारा जो देश है जब वो आज़ाद हुआ था तब इकोनॉमी उसकी कैसी थी, अब इकोनॉमी इसकी कैसी है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, ये सब हम पढ़ेंगे 11th क्लास की इकोनॉमी में। और इसके अलावा जो सेकंड बुक होगी वो होगी स्टेटिस्टिक्स, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, थोड़ा बहुत आपने 9th और 10th में भी इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अब डिटेल में पढ़ोगे, यानी मीन, मीडियन, मोड को फाइंड आउट करना आपने ऑलरेडी सीखा था, अब ये सीखो कि जो उसके डेटा हैं वो किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, वो किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, क्या मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो डिटेल में सीखोगे आप इन 11th क्लास। फोर्थ जो मेन सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश, एज यू नो व्हाट इज़ इंग्लिश, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इंग्लिश इन डिटेल। नाउ व्हाट आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है मैथ। मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी का इंटरेस्ट है मैथ में तो प्लीज़ 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 आप मैथ ही लें, क्योंकि मैथ्स लेने पर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो क्या है वो मैं, अगर आपकी डिमांड है तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगी, तो उसके लिए लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या इसके लिए वीडियो की ज़रूरत है या नहीं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ है, आप मैथ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, जो बच्चे मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं वो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, जिसमें आगे कंप्यूटर साइंस में आगे जाके काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा है फिज़िकल एजुकेशन, आजकल तो फिज़िकल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, क्योंकि एज़ यू नो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है कि खेलो इंडिया, जिसमें स्कूलों से ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है और उनके जो जो एजुकेशन सॉरी फिज़िकल एजुकेशन जो खेल में जिसमें वो बेस्ट है उनके बेसिस पर उनको आगे हायर किया जाता है और उनको प्रमोट किया जाता है। तो अगर कोई भी बच्चा फिज़िकल एजुकेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है तो वो प्लीज़ प्लीज़ किसी भी तरह से इसको वीक सब्जेक्ट ना समझे, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आगे चलकर इस आप कई सारे इसके बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। आप टीचर बन सकते हो, आप कोच बन सकते हो, आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आके जा भी सकते हो अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको कोई भी किसी भी तरह का स्पोर्ट में जाना है, नेशनल गेम्स खेलने हैं एट्सेट्रा, तो यू कैन चूज़ दिस सब्जेक्ट। इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो है साइकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन माइंड किस तरह से काम करता है, यानी अगर आप इंटरेस्टेड हो कि सामने वाला पर्सन किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से बिहेवियर है उसका, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आई थिंक अगर आपका इंटरेस्ट है लोगों के माइंड को पढ़ना तो यू कैन ऑप्ट साइकोलॉजी। पेंटिंग, अगर किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो पेंटिंग भी ऑप्ट कर सकता है। इसके अलावा हिंदी हो गया, म्यूज़िक हो गया एट्सेट्रा, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि क्या स्कूल में टीचर है अवेलेबल। तो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो अगर आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार आप स्कूल में जाके देख ले कि जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है क्या वो स्कूल में अवेलेबल है या नहीं।
तो ये एक बार आप ज़रूर पता कर लें, और ऑप्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट क्राइटेरिया ज़रूर फाइंड आउट कर लें कि आपको किस में इंटरेस्ट है। और जो मैंने पहला पॉइंट बताया था वो तो है ही, अगर किसी का मैथ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो मैथ ज़रूर लें, उसको छोड़े ना।